राधे राधे फ्रेंड, राधा रानी क्रिएशन में आपका स्वागत है। ये देखिए, हम बहुत सुंदर से ये बच्चों की फेवरेट सनफ्लावर या सन बोले आप ये बनाने जा रहे हैं। ये मैंने बड़े में बनाया है, फिर छोटे में, फिर मीडियम साइज़ में। बहुत सारे आप इसके कुशन भी बना सकते हैं, पिलो भी। ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसने हमने दो बना के फिर इसको ज्वाइंट करके उसमें कटन डाला। ये हमने सिंगल भी बनाया है। ये देखिए, दो तीन हमने सिंगल बनाया है और दो हमने इसमें कर्टन डाल के उसको भर के बनाया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, हम ये बहुत सारे कलर हमने बनाए हैं इसमें, तीन चार कलर। चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ब्लू कलर के वूल ले लिए हैं, और इसे जैसे आप नॉट लगाते हैं इस तरह से करके, पहले भी हमने बताया आपको, पहले वीडियो में भी। ये आपको एक सर्कल आपको बनाना है। यहाँ पर हम तीन चैन लेंगे। ये फ्रेंड, हमने यहाँ पर दो ही चैन लिया है, ये हम बाद में ठीक लें। आपको तीन चैन लेके डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये हम उसमें हम पता नहीं क्या सोच रहे थे, इसलिए ऐसे ही कर दिया हमने, इसको बाद में ठीक कर लिया था। आपको तीन चैन लेके फिर आपको डबल क्रोशिया ही बनाना है। हमने 17 बार डबल क्रोशिया इसमें बनाया है। एक हमारा चैन का हो गया, और 16 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया है। आप इसी तरह से डबल क्रोशिया बना के फिर हम आपको दिखाते हैं पूरी तरह से। यहाँ देखिए, हमने बना के ज्वाइन कर लिया है। वो जो लास्ट का तीन चैन था उसी में हमें ज्वाइन करेंगे। फिर से हमें यहाँ पे तीन चैन लेके, जितने भी हमारी ये डबल क्रोशिया हैं सभी में हमें डबल 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 क्रोशिया बनाना है। सिंगल किसी में भी नहीं बनाने हैं, आपको डबल ही बनाना है। और धागे को टाइटली रखना है, ढीला नहीं रखना है, तभी ये आपकी सिकुड़ेगी नहीं और अच्छे से बन के रेडी होगी। हमें दो ही रो बनाना है फ्रेंड, बस एक हमने बना लिया, ये सेकेंड रो है। बस इतना ही बनाएंगे हमें। मैं छोटा ही बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ। चलो फिर हम आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। अब आपको पूरा बना के फिर ज्वाइंट करके दिखाते हैं फ्रेंड। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। हमने दो ही रो लिए हैं। अब इसमें हम धागा को ऐसे करके इसको धागा को कट कर देंगे। आप और बड़ा बनाना चाहते हैं तो और बड़े रो ले, इसी तरीके से और रो ले जा सकते हैं। यहाँ पे हमें बस इतना ही बनाना था छोटा सा। अब हम फेस ड्रॉ करेंगे फ्रेंड वूल से। ये देखिए, आप किसी जगह से यहीं पर डालना है। ये देखिए, ऊपर से ऐसे डाला और धागे को लंबा करके निकालना है। चलो फिर हम आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए, आप ऐसे डालेंगे और धागे को ऐसे पकड़ के निकाल लेंगे। फिर ये धागे को हम ऐसे इसमें लपेटते जाएंगे। ये देखिए, फिर से हमने धागा निकाला, लूप, फिर ऐसे डाला ऊपर से, फिर हम धागे को ऐसे निकालेंगे और ये हमारा फेस ड्रॉ होते जाएगा इसी तरीके से। ऐसे डाला और धागे को निकाला, ये देखिए ऐसे डाला। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे थोड़ा लंबा करके ऐसे छोड़ेंगे, नीचे से क्रोशिया ले जाके धागे को नीचे ले जाके, ये देखिए ये नीचे खींच लेंगे। अब हम ऊपर एक एक चैन लेकर इसे धागे को कट करेंगे। ये देखिए, इसे ले जाके धागे को कट कर देंगे। ये हमारा देखो स्माइल सा फेस ड्रो हो गया। अब हम आंखें बनाएंगे। यहाँ पे हम नीडल में हमने धागा डाल लिया है। यहाँ पे हमने नीडल में धागा डाल लिया है और फिर हम नॉट लगा देंगे। देखिए, आपको आप अपने हिसाब से आंखें, आप चाहे तो मार्कर से मार्क कर लीजिए, उसके बाद आंखें बनाइए। मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। ये देखिए, हम यहाँ पे दो लाइन ले जाएंगे। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, स्टिकर भी लगा सकते हैं, बिंदी या पर्ल। मैंने धागे से ही बनाया है।
मैं एक साइड गोल ले गई हूँ, एक साइड ऐसे ही जैसे आप सिलाई लगाते हैं उस तरह से दो लाइन बस ले गई हूँ। आप अपने हिसाब से बना लेना। ये देखिए आंखें भी बन गई हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। धागे को कट कर देंगे, हमने उसे पहले एडजस्ट, ये देखिए हमने दो बनाए हैं यहाँ पर। आप ऐसे किसी भी पैटर्न में ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने स्माइली बनाया है, आप बहुत सारे इमोजी आते हैं उस तरह से आप ड्रॉ करके इसे बना सकते हैं। अब इसे हम नीडल से दोनों को इसके एकदम, ये देखिए जहाँ बॉर्डर है उस तरफ से ऐसे नीडल ले जाके और हम सिलाई मार देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम इसे ऐसे ही धागे को एडजस्ट कर देंगे अंदर। आप चाहे तो ऊपर नॉट भी लगा सकते हैं, बट हमने एडजस्ट कर लिया है नीचे। इसे पकड़ के रखेंगे, फिर हम नीडल से पूरा ये थोड़ा सा छोड़ के और सिल लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा छोड़ेंगे नहीं तो कॉटन कहाँ से डालेंगे। ये देखिए मैं ऐसे ही साइड साइड से लेते हुए सिल के फिर हम आपको बताते हैं। फ्रेंड इसके आगे की वीडियो मेरी डिलीट हो गई थी तो मैंने फिर से रिकॉर्ड किया है, तो आपको इसमें समझना है। ये जो दोनों हमने जॉइंट करके कटन भरा है, जब भी हम बाहरी लीव बनाएंगे तो ये दोनों एक साथ हम क्रोसिया में लेके धागा को निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने छोड़ा है। अब इसमें हम ये कटन डाल के सिलाई मार देंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब आपको इसके आगे की वीडियो हम सिंगल में ही बताएंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे कटन को डाल के। ये देखिए हमारी इसकी आगे की वीडियो ये वाली डिलीट हो गई थी तो हमने सिंगल में ही बना के आपको बताया। तो आपको ध्यान देना, ये जो हम नीडल डाल के इसको सिलाई मार रहे हैं, ऐसे ही आप दोनों दोनों तरफ के इमोजी में आप ये क्रोसिया डाल के धागा को निकाल के वो पैटर्न बना सकते हो। यहाँ पे आप पिलो भी बना सकते हो इसी सेम प्रोसेस से, बड़े साइज में बच्चों के लिए किसी भी इमोजी हार्ट शेप में या किसी भी शेप में, फ्लावर के शेप में। मैं आपको छोटा बता रही हूँ, आप बड़े में बना लेना। ये देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ से छः चैन निकालना है, ऐसे लूप निकाला, फिर यहाँ पे हमें छः चैन लेना है। हमें ये देखिए हमने छः चैन ले लिए हैं, अब काउंट कर लेना। अब यहाँ पे एक चैन छोड़ के हमें सेकंड वाले में, ये देखिए एक चैन छोड़ा सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं ऐसे सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर से हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए एक चैन छोड़ेंगे सेकंड वाले में हमें सिंगल क्रोशिया ऐसे ले लेना है, और फिर नेक्स्ट वाले में हमें हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में हमें डबल क्रोशिया, ये देखिए नेक्स्ट वाले में हमें डबल क्रोशिया, देखिए ये हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट वाले में भी हमें इन तीनों में डबल क्रोशिया ही बनाना है, थोड़ा धागे को लंबा खींचते हुए ताकि हमारा पैटर्न एकदम ट्रायंगल शेप में बने। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये हमारा ट्रायंगल शेप आ गया है। एक दो तीन, एक दो छोड़ेंगे, थर्ड वाले में हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें छः चैन लेना है, यही हमारा प्रोसेस पूरे में जाएगा। यहाँ पे हमें छः चैन ले लेंगे, एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं। ये देखिए हमने छः चैन लिया, फिर हमारा एक छोड़ के नेक्स्ट वाले में हमें सिंगल क्रोशिया, ये देखिए सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे भी डबल क्रोशिया, थोड़ा धागे को लंबा खींच करते हुए, फिर यहाँ पे भी हमें डबल क्रोशिया। आप चाहे ट्रिपल क्रोशिया ले सकते हैं, बट आप डबल क्रोशिया भी लेंगे, थोड़ा धागे को ढीला रखेंगे तो आपका अच्छा शेप आ जाएगा। ये देखिए एक दो छोड़ के थर्ड वाले में हमें
इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। यही प्रोसेस हमारा पूरे में जाएगा। अब हम आपको ये देखिए हमने तीसरा भी बना लिया। ऐसे ही हम आपको पूरा बना के फिर दिखाते हैं। ये हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे ये जो हमारा लास्ट वाला। यहाँ पे हमारा लास्ट में तीन चैन बचे हैं, तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन। तो हमें तीसरे वाले में नहीं करना है। हमारा ये जो ये है यहाँ पे जो लास्ट वाला हमारा पहला वाला पैटर्न था, इसमें हम डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके धागे को कट कर लेंगे। फिर यहीं पे हमें एक चैन बना देना है की चैन के लिए, जिसे हम किसी में हैंगिंग करेंगे तो उसके लिए। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, अगर किसी में बच्चों के पाउच वगैरह में बना रहे हैं स्टिकर लगाने। ये देखिए हमारा ये पहला जो हमने कटन डाल के बनाया था सेम इसी तरीके से बनेगा। देखिए बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और बच्चों को पसंद भी आते हैं। आप इस तरीके से पिलो भी बना सकते हैं फ्रेंड। ये देखिए हमने यहाँ पे देखिए बनने के बाद कितने प्रिटी लग रहे हैं। ये हम बहुत सारे कलर में बनाए हैं फ्रेंड। ये देखिए हमने सबसे बड़ा वाला बनाया था, फिर यहाँ पे ये ग्रीन और पिंक में। हमारा सभी में स्माइली इमोजी है फ्रेंड। यहाँ पे रेड और ब्लू में भी बनाया हमने, मेरे बच्चों को स्माइली वाला बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो मैंने स्माइली ही बनाया। आप किसी भी इमोजी के पैटर्न में बना सकते हैं, हार्ट से वह किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है और बनने पे बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, बच्चों को पसंद भी है। लाइक हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे फ्रेंड।